आजादी अमृत महोत्सव के तहत मथुरा में जगह जगह ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज बरसाना में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। शासन द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को मथुरा के बरसाना में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का भव्य आयोजन किया गया। नंदगांव विकासखंड के बरसाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रतिनिधि नरदेव चौधरी ने फीता काटकर किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रतिनिधि नरदेव चौधरी ने स्वास्थ्य मेला में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी निभाई। इसके बाद उन्होंने एक बालक को पहली बार अन्न भी खिलाया। इस मौके पर कुष्ठ रोग, टीबी, मोतियाबिंद, संचारी रोग उन्मूलन संबंधी होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा विभाग के स्टॉल, दंत रोग, स्त्री रोग और बाल रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कोविड 19 पोषण अभियान आदि से संबंधित स्टॉल लगाए गए। वहां आने वाले लोगों को अपनी अपनी योजनाओं के कार्यक्रमों से लाभान्वित और जागरूक किया गया। ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, निशुल्क जांच, निशुल्क दवाइयां और अनेक रोगों की जांच और निदान आदि से संबंधित कार्य किए गए। छाता विधानसभा और मथुरा जिले की समस्त CHC में इस समय बरसाना का जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है वो सबसे अच्छा है। यहाँ एक्सरे की मशीन भी लगी हुई हैं, बेड भी हैं, सारी दवाई टाइम पे उपलब्ध कराई जाती है, सभी मरीजों को बिना भेदभाव के समय पे उपचार दिया जाता है। लेकिन जो प्रयास है सरकार का कि धीरे धीरे सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर करके मरीजों को सुविधाएं दी जाएं, उस प्रयास में निरंतर हम लोग लगे हुए हैं और ये कोशिश है कि बरसाना के सरकारी हॉस्पिटल को बहुत उच्च तकनीकों से बना के सारी जांच वगैरह करके सारी दवाइयां यहीं उपलब्ध कराई जा सकें। आपने ये कहा, योगी जी और मंत्री जी ने वादा किया था, उस वादा को हम पुनः दोहरा रहे हैं और जिस भरोसे के साथ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी पिछले चुनाव में बनाई है, स्वास्थ्य हमारी मूलभूत सुविधाओं में से सबसे प्रमुख सुविधा है और स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए एक बहुत बड़े उप मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। निश्चित रूप से आने वाले 6 महीने के अंदर आपको स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ा सुधार देखने को। लोग थोड़े से प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं क्योंकि एक ही छत के नीचे उनको आज अस्पताल में इधर उधर नहीं जाना है कि एक ही टेंट के नीचे आकर के और उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज काफ़ी स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, MD मेडिसिन है, नाक कान गले के डॉक्टर हैं, जो कि इनमें से कुछ हमारे CHC पे जिनकी उपलब्धता नहीं है, तो आज सभी अपनी सेवाएं यहां दे रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जिले से सारे कई स्पेशलिस्ट यहाँ आए हुए हैं, इवन KD मेडिकल कॉलेज से भी महिला डॉक्टर आए। पूरे जिले में ब्लॉक स्तरीय मेला लगाया जा रहा है, अगर मैं बात करूँ इस मेला एक दिन का लगता है, आगे के लिए क्या सुविधाएं रहेंगी? आगे के लिए है कि इसी मेले के मोड़ पर हम CHC पे भी सारी सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे, यही प्रयास रहेगा हमारा।